लास्ट ईयर यानी कि अगस्त 2020 में महिंद्रा ने अपने 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिखाए थे, यानी कॉन्सेप्ट दिखाया था। और अब साल 2023 फरवरी में महिंद्रा ने फिर से कुछ कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किए हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट मॉडल हैं, इनको पेश करने के बाद महिंद्रा ने इस इवेंट का नाम दे दिया महिंद्रा होमकमिंग। जो लंदन में कॉन्सेप्ट मॉडल दिखाए थे वो भी महिंद्रा के एक इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थे, और ये भी एक इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। अब इंग्लो प्लेटफॉर्म क्या है इसके बारे में तो मैंने विस्तार से बता दिया, एक वीडियो में बता दिया है, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा उन 3 गाड़ियों के बारे में जो कि महिंद्रा ने इस इवेंट में दिखाई है। पहले तो आप यहां पर देख लो BE05। अब ये जो कॉन्सेप्ट मॉडल है ये साल 2024 के अंत तक कंपनी लॉन्च करेगी, ऐसा कंपनी का कहना है। अब ये अगर आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा तेज तर्रार ये गाड़ी नज़र आएगी, और यहाँ पर अगर हेडलाइट वगैरह का सेटअप देखोगे तो प्रॉपर LED हेडलाइट देखने को मिलती है यहाँ पर। हालांकि जो कॉन्सेप्ट मॉडल है तो उसके वजह से आपको यहाँ पर प्रॉपर इस तरीके से ये नज़र आ रही होंगी, लेकिन जब प्रोडक्शन मॉडल वर्जन आएगा तो हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज कंपनी कर दे। हालांकि कंपनी का कहना है ये है कि 95% जो कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है 95% प्रोडक्शन मॉडल में भी ये गाड़ी आएगी, यानी कि लगभग इसी तरीके की आपको गाड़ी देखने को मिलेगी। अब आप ये देखते हो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी, बहुत ज़्यादा तेज तर्रार ये गाड़ी नज़र आती है। फ्रंट से भी काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिकली ये आपको नज़र आती है। इनफैक्ट अगर आप साइड से देखते हो तो साइड से भी इसके जो व्हील्स हैं, जो टायर का साइज़ है, 21 इंच के बड़े से व्हील्स मिलते हैं। और अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखते हो ना तो आप यहाँ पर ऐसे देखो यार कितना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। खैर महिंद्रा SUV बनाने को लेकर जानी जाती है, यानी कि भारतीय बाजार में जितनी भी SUVs हैं सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी महिंद्रा की रहती है। अब यहाँ पर इस गाड़ी को भी अगर आप देखोगे है तो ये भी SUV, लेकिन प्रॉपर कूपेश डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और रियर प्रोफाइल अगर आप इसका देखते हो BE05 का, ये भी बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार, बहुत ही ज़्यादा यूनिक नज़र आता है। इनफैक्ट अगर गाड़ी का इंटीरियर देखते हो, देखो इंटीरियर में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं, महिंद्रा ने बंद किया हुआ है, लेकिन इंटीरियर भी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नज़र आ रहा है। और BE जैसे कि महिंद्रा का जो लोगो होता है ना ट्विन पीक लोगो, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको BE लिखा हुआ देखने को मिलता है। और ट्विन डिस्प्ले यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए आपको देखने को मिल जाती हैं। और बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर कैमरा लगाया गया है, कोई भी ORVM यानी कि रियर व्यू मिरर नहीं है। और जब प्रोडक्शन मॉडल में आएगी तो हो सकता है यहाँ पर कंपनी जो मिरर है प्रॉपर वो लगा दे। अब देखो BE05 की तो बात कर ली, अब बात करते हैं BE05 रैली की। तो ये जो गाड़ी है ना, ये देखो जिस गाड़ी की अभी बात कर रहे थे उसी गाड़ी पर बेस्ड है, लेकिन ये रैली वर्जन है। रैली वर्जन आप ऐसे समझो कि इस गाड़ी को प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए है। और देखो होम कमिंग इवेंट है, महिंद्रा इंडियन कंपनी है, तो जो टायर हैं वो भी यहाँ पर आपको मैक्सिस के देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप देख ही रहे हो, जो टायर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो रैली वर्जन है तो यहाँ पर आप देखते हो सेम वैसा ही लुक्स और डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, सेम वैसा ही रियर प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि आपको BE में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हो ये जो टायर है, ये टायर का साइज़ बिल्कुल अलग है, ऑफ रोडिंग टायर देखने को मिलते हैं। रियर प्रोफाइल थोड़ा सा अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा चेंज, यानी कि प्रॉपर ऑफ रोडिंग के हिसाब से देखने को मिल जाता है। डिपार्चर एंगल बदला गया है, यानी कि BE में जो आपको डिपार्चर एंगल देखने को मिलता है वो आपको इसमें अलग देखने को मिलता है। इनफैक्ट अप्रोच एंगल भी अगर आप देखते हो तो वो भी आपको अलग देखने को मिलता है। इनफैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी का बढ़ाया गया है। और ऊपर की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पर प्रॉपर रैली किट आपको देखने को मिल जाती है, बैटरी पैक मिल जाता है, आपको एक स्पेयर व्हील ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है। इंटीरियर इसका नहीं दिखाया गया, प्रॉपर ब्लैक्ड आउट किया गया है, हालांकि पियानो ब्लैक फिनिश आप यहां पर देख सकते हो। और ये जो कलर है ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक नज़र आता है। अब फ्रंट की बात करते हैं तो ये जो BE रैली ई है ना, इसका जो फ्रंट लुक है उसके मुकाबले बिल्कुल अलग कर दिया गया है, यानी कि यहां पर आपको प्रॉपर हेडलाइट दे दी गई है, यहां आपको DRL में जाते हैं। और इधर की तरफ देखते हो तो ये जो अप्रोच एंगल है ये भी आपको बिल्कुल अलग देखने को मिल जाता है, यानी कि इसका बढ़ाया गया है। और यहाँ पर आपको ये टोइंग हुक देखने को मिल जाता है, यानी कि ये प्रॉपर ऑफ रोड व्हीकल है, तो इसी वजह से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो जो ऊपर रूफ रेल्स या जो सारी रैली केज वगैरह ये जो लगाई गई हैं, यहाँ पर भी आपको लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती है जो कि प्रॉपर LED लाइट्स हैं। अब चलते हैं तीसरी गाड़ी की तरफ, वो कोई और नहीं, वो है महिंद्रा की XUV E9। अब कुछ साल पहले ना महिंद्रा ने XUV 900 को अनवील किया था, तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये वाला कॉन्सेप्ट बेस्ड है।
अब ये आप देखते हो, ये प्योर इलेक्ट्रिक कार है। देखो जो महिंद्रा का नया इंग्लो प्लेटफॉर्म है, बीई और एक्सयूवी ये दो ब्रांड की गाड़ियां बनेंगी, तो उस प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी भी बेस्ड है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर प्रॉपर कूपे डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है, कनेक्टिंग टेलर देखने को मिल जाती है, ट्विन पीक महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश, मतलब प्रॉपर प्रीमियम अवतार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। काफ़ी एग्रेसिव रियर लुक नज़र आता है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल अगर आप देखते हो, तो साइड प्रोफाइल में भी आपको यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल का टायर दिए गए हैं, और जो डिज़ाइन है प्रॉपर इलेक्ट्रिक अवतार में आपको यहाँ पर एलॉय व्हील का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। टायर का साइज 20 इंच का है, और बाकी यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपको कॉपर फिनिश देखने को मिल जाती है, जिस तरीके से ट्विन पीक लोगो में आपको देखने को मिलती है। कूपेश डिज़ाइन ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाता है, और तीन स्क्रीन आपको इसमें देखने को मिलेंगी। जी हाँ, यानी कि एक को ड्राइवर की तरफ, एक ड्राइवर और ड्राइवर के लिए एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपने वहाँ पर जो इसका इंग्लो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर देखा होगा, और बाकी बड़ा सा ही आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर। और बाकी आप गाड़ी देखो यार, साइड से कितनी ज़्यादा हैवी ये नज़र आती है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो, यानी कि फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखोगे, तो ये बिल्कुल आपको जो महिंद्रा की एक्सयूवी सीरीज़ की गाड़ियाँ हैं ना, उनकी याद दिलाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक अवतार में तो जाहिर सी बात है, कंपनी को कुछ ना कुछ चेंज करना था। अब ये कॉन्सेप्ट मॉडल है, तो ये कॉन्सेप्ट मॉडल आप ऐसे देखो, यहाँ से लाइट शुरू होती है, यानी कि DRL यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से जाता हुआ यहाँ पर ख़त्म होता है। आप कैसे भी देख सकते हो, यहाँ पर प्रॉपर ऐसी ब्लॉक ग्रिल देखने को मिल जाती है, और नीचे की तरफ फंक्शनल है, और ये ओपन क्लोज होती हुई नज़र आएगी जब कॉन्सेप्ट मॉडल प्रोडक्शन मॉडल में आएगा। बाकी हेडलाइट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो, इधर को देखने को मिलेंगी, और ये काफ़ी यूनिक नज़र आएगी। ओवरऑल ये जो डिज़ाइन है, ये जो गाड़ी है, काफ़ी बड़ी, काफ़ी ह्यूज होगी। आपको महिंद्रा की ये तीनों गाड़ियाँ कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। XUV E9 आप यहाँ पर देख रहे हो, जो लंदन में कंपनी ने पेश की थी वो थी XUV E7, वो यहाँ पर नहीं लेकर आई है, यानी कि आपको वीडियो में नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर नहीं है, E9 है। अब ये जो गाड़ी है, ये वाकई दिखने में बहुत ज़्यादा लाजवाब नज़र आ रही है। ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि महिंद्रा इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बनी और भारतीय बाज़ार में आई, इन तीन गाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं।